हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हमने टॉपिक लिया है फॉसिल्स। ये हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन क्लास 10th का चैप्टर है, वहीं से ये टॉपिक उठाया हमने फॉसिल्स। ठीक है, जीवाश्म जिसको हम बोलते हैं। फॉसिल्स बेसिकली होती क्या है, ये हम इस टॉपिक में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन को अगर हमने स्टडी करना है तो उसका जरूरी है जो अभी अलाइव है उसी को हम स्टडी करें। ठीक है, जो डेड एनिमल्स हैं या एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, खत्म हो चुके एनिमल हैं, उनके जो पार्ट्स होते हैं या उनके जो उनकी जो बॉडी होती है उसके बारे में भी स्टडी करना जो है वो एक इवोल्यूशन में जो है वो आता है। ठीक है, तो फॉसिल्स बेसिकली बनते कैसे हैं? देखो, जीवाश्म कैसे बनते हैं, जीवों के अंश। ठीक, जीवों के अंश जो वो कैसे बनते हैं। देखो, यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे कोई भी एनिमल है, कोई भी एनिमल है, अगर वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होता है, जब कोई भी, जैसे मानो कि यहाँ पे मेरे पास इंसेक्ट ही, मान लो कोई इंसेक्ट है यहाँ पे, और वो इंसेक्ट जो है वो क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी, और वो जमीन के अंदर जो वो धंस जाता है, नीचे जो वो चला जाता है। लेकिन क्या होता है, बाय चांस ऐसा हो सकता है कि इसके ऊपर जो मिट्टी होगी, इस तरह से इसके ऊपर मिट्टी होगी या इस तरह का कोई चीज इसके ऊपर जो वो पड़ सकती है, और ये इंसेक्ट जो वो कंप्लीटली डिकम्पोज जो वो नहीं होगा। ठीक है, कंप्लीटली डिकम्पोज जो वो नहीं होगा, पूरी तरह से ये खत्म नहीं होगा, और इस तरह से इसके ऊपर और मिट्टी जो है वो पड़ती जाएगी, और मिट्टी रेत जो भी है इसके ऊपर जो है वो पड़ता जाएगा। लेकिन ये जो इंसेक्ट है, ये बिल्कुल इसके नीचे जो है, कोई भी पार्ट हो सकता है, ये कोई भी इस तरह की वस्तु हो सकती है जिसके नीचे, ये एक पत्ता भी हो सकता है, पत्ते के नीचे भी ये हो सकता है, कि ये कंप्लीटली डिकम्पोज जो वो नहीं होगा, ये इंसेक्ट जो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा। और ये जो है वो धीरे धीरे बहुत सालों के बाद, मिलियंस ऑफ ईयर्स भी आप बोल सकते हैं, तो उसके बाद जब आप इसको यहाँ से निकालेंगे बाहर, तो आपको या तो ये पूरा का पूरा होल बॉडी आपको इस तरह से मिल सकती है, क्योंकि डिकम्पोज नहीं होगी। और सेकंड क्या हो सकता है, इसका कोई पार्ट, कोई एक पार्ट इसका जो है वो आपको जैसा है वो वैसा ही मिल सकता है। तो इस तरह के जो अवशेष होते हैं किसी भी, चाहे वो एनिमल है चाहे वो प्लांट है ना, इस तरह से पत्ता भी हो सकता है कोई, वो लीफ है, वो इस तरह से अगर यहाँ पे रह जाता है और वो डिकम्पोज जो वो नहीं होता है कम्प्लीटली, तो वो भी आपको जो है वो बाद में ये इस तरह से आपको मिल जाता है। जब इसको हम यहाँ से खोलते हैं, खुदाई करेंगे इसकी हम, तो आपको ये ऐसे का ऐसा ही ये मिल जाता है। तो इस तरह के जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के चाहे एनिमल्स के, उनको हम बोलते हैं फॉसिल्स। ठीक है, इस तरह से ये फॉसिल्स जो वो बनते हैं। अब फॉसिल्स जब हमें मिलते हैं तो हम इनका कैसे पता लगा लेते हैं कि ये, इनकी एज जो है वो कितनी है या ये कितना पुराना जो है वो हो सकता है? तो देखो, इसके लिए दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट मेथड तो क्या है कि जैसे आप इसको, अगर आप थोड़ा सा मैं इस तरह से समझाऊं, जब हम इसको खोदेंगे, जैसे ये मिट्टी है, मिट्टी की एक लेयर हम बना रहे हैं यहाँ पे बहुत नीचे, और उसके बाद हम देखते हैं, जैसे मानो यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा गहराई में खोदेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको इस तरह से एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ से ये मिट्टी है, इसको अगर हम डग कर रहे हैं, इसको खोद रहे हैं, तो जब इसको हमने थोड़ा सा ही, इसकी थोड़ी सी ही खुदाई की, तो हमें कुछ यहाँ पे अवशेष जो है वो ऐसी चीज़ों के मिल सकते हैं, ऐसी चीज़ों के अवशेष मिल जाएंगे कि वो चीज़ें जो होंगी वो इतनी ज़्यादा पुरानी वो नहीं होंगी, जो इजिली हमें जल्दी ही हम उसकी खुदाई करते हैं और हमें जल्दी ही वो चीज़ मिल जाती है, तो वो इतनी ज़्यादा पुरानी वो नहीं होती है। अब देखो, यहाँ पे मानो यहाँ पे हमें ये मिल जाते हैं, हॉर्स के फॉसिल्स मिल जाते हैं, हॉर्स के फॉसिल्स मिल जाते हैं हमें जब हम इसकी खुदाई कर रहे हैं। लेकिन फिर इसको हम कंटिन्यू खोदते रहते हैं और गहरा इसको खोदते रहते हैं, तो हमें
उससे नीचे जाकर जैसे मानो कि हमें राइनोसोर्स के ही अवशेष जो वो मिल सकते हैं ना, जैसे राइनोसोर्स के, राइनोसोर्स या इसमें से जैसे मैं डायनासोर भी बोल सकता हूँ, डायनासोर्स, डायनासोर्स के इसमें से फॉसिल्स जो वो मिलेंगे। तो दैट मीन्स कि जो हमें पहले मिल गया, जो खुदाई करके जो पहले ही मिल गया, अर्ली मिल गया, तो उसकी एज जो है वो नेचुरली कम होगी और उससे भी एक्सटिंक्ट वो होगा जो उससे गहराई में मिलेगा। तो इस तरह से जब हम नीचे से नीचे खुदाई करते रहते हैं तो हमें ये पता लग जाता है कि कौन सा फॉसिल्स जो है वो, कौन सा एनिमल जो है वो पहले रहा होगा और उससे पहले कौन सा रहा होगा और उससे पहले कौन सा जो वो रहा होगा। तो इस तरह से हम फॉसिल्स की एज का जो वो पता लगा सकते हैं। फर्स्ट मेथड ये हो सकता है। और सेकंड मेथड हो सकता है कि हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स होते हैं उसके जो आइसोटोप्स होते हैं उसका लाइफ स्पैन जो हम देखते हैं, उसका लाइफ टाइम जो है वो हम देखते हैं आइसोटोप्स का। जैसे कार्बन डेटिंग है एक, इसमें एक मेथड कार्बन डेटिंग का भी है कि उसमें हम कार्बन की क्वांटिटी को देखते हैं कि वो कितनी पुरानी जो है वो क्वांटिटी कार्बन की है। तो आइसोटोप्स, कुछ एलिमेंट्स के आइसोटोप्स से भी हम फॉसिल्स का पता जो है वो लगा सकते हैं कि कोई भी फॉसिल्स जो है वो कितना पुराना जो है वो हो सकता है। तो ये फॉसिल्स के बारे में था कि फॉसिल्स किस तरह से बनते हैं और उसका आप किस तरह से जो उसको पता लगा सकते हैं कि उनकी एज जो वो कितनी है। तो होप है कि आपको ये टॉपिक जो वो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।